हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के सरफेस एरिया के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, चलो फिर आज टॉपिक में बात करते हैं। तो सबसे पहले हुआ हमारा सिलेंडर। सिलेंडर आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका 3D लुकआउट भी अवेलेबल है। 3D लुकआउट आप देख सकते हैं सिलेंडर क्या होता है। ये रहा हमारा सिलेंडर और इसका हाइट हुआ एच। हाइट का मतलब ये वाला डिस, हाइट का मतलब ये रहा हमारा हाइट, और रेडियस का मतलब ये वाला डिस्टेंस, रेडियस। और इसी तरह इसका सरफेस एरिया हुआ 2 r into pi into s प्लस 2 r² into pi। हाइट, ये वाला हाइट, और इसी तरह r हुआ ये। तो फिर कुल मिलाकर इसका सरफेस एरिया 2 r into pi, पाई का मतलब कांस्टेंट, इनटू हाइट प्लस 2 r² into pi। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सिलेंडर का सरफेस एरिया। और इसी तरह हम कोण का सरफेस एरिया जानेंगे। तो दोस्तों, ये जी हुआ हमारा इंक्लाइंड लेंथ, इंक्लाइंड साइड या फिर कहो लेंथ, और ये हुआ हमारा आर, इसका रेडियस, बेस का रेडियस। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, आर इंटू पाई इंटू जी प्लस r² प्लस पाई। ये हुआ हमारा कोण का सरफेस एरिया। फिर से सरफेस एरिया ऑफ कोण, पाई इंटू आ या फिर कहो आर इंटू पाई इंटू जी प्लस r² पाई। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सरफेस एरिया कोण। और इसी तरह हम स्फीयर का हमारा 4 r² इंटू पाई, आर का मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। 3D पोजिशन में भी अवेलेबल है, 3D लुकआउट भी इसका है। तो ये रहा स्फीयर, और इसी तरह स्फीयर का ये रहा 4 r² इंटू पाई सरफेस एरिया। और इसी तरह पिरामिड, पिरामिड आप देख सकते हैं जिसका बेस में होता है रेक्टेंगल या फिर कहो स्क्वायर, तो वो रहा हमारा पिरामिड। तो इसका सरफेस एरिया हुआ एरिया बेस प्लस लेटरल एरिया। लेटरल एरिया का मतलब ये पूरा एरिया हमें सम करना पड़ेगा, चारों डायरेक्शन के एरिया। जैसे कि ये एक लेटरल एरिया हुआ, ये एक लेटरल एरिया हुआ, इसी तरह ये एक लेटरल एरिया हुआ, ये एक लेटरल एरिया हुआ, और ये हुआ हमारा बेस। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सरफेस एरिया पिरामिड। और इसी तरह हम क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है सबसे पहले वो समझ ले। क्यूबॉइड, क्यूब का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। क्यूब
3D पिक्चर क्यूब का। तो हम जान ले ये वाला हुआ हमारा वाइड, तो ये वाला हुआ हमारा वाइड, और इसी तरह ये वाला हुआ हमारा हाइट। और इसका सरफेस एरिया होगा हमारा 2 × L × H + L + W + H × W। दोस्तों ये वाला हमारा लेंथ है, लेंथ L। तो दोस्तों ये रहा हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।